प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। आजकल लोग बाजार से मूर्तियों को ला करके और धो पोंछ करके वस्त्र पहना करके घर में रख लेते हैं, तो वे मूर्ति ठीक नहीं है। हम लोग जो सनातन हिंदू हैं वो मूर्ति की पूजा नहीं करते, ध्यान देना। कुछ लोग हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं, भाई आप तो पत्थर पूजते हैं, आपके यहाँ मूर्ति की पूजा होती है, धातु की पूजा होती ना। हम ना पत्थर की पूजा करते हैं ना मूर्ति की पूजा करते हैं, हम सनातनी लोग। हम करते हैं वेद विधान के अनुसार उस मूर्ति में विद्यमान आत्म तत्व परमात्म तत्व की, क्योंकि जब वो धातु था या जो पाषाण था या जो मृत्तिका थी, उस मृत्तिका से हमने मूर्ति बनाई, उस पाषाण या धातु से मूर्ति बनाई बनवाई और उसमें वेद विधि के अनुसार उसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो उसमें वो देवता तत्व आकर के विद्यमान होता है, तब हम उसका पूजन करते। तो किसका पूजन कर रहे हैं? अन्यथा हम पाषाण का पूजन करते तो पहले ही कर लेते। पाषाण तो बहुत है हमारे घर में, बहुत पाषाण लगे हुए हैं, तो हम कहीं पूजा नहीं करते, मंदिर में क्यों करते हैं। इसी प्रकार धातुओं के बहुत बर्तन हैं, किसी धातु का हम पूजन नहीं करते हैं। जबकि सोना भी है, सोना पहनते हैं लगते हैं, उसका पूजन नहीं करते। पीतल आदि की या किसी भी धातु की जो मूर्ति है उसका ही हम पूजन करते हैं। तो उसका मतलब उसमें मूर्ति का नहीं, मूर्ति के अंदर का जो भगवत तत्व है, ईश्वर तत्व है, उसका आराधन करते हैं, उसका यजन करते हैं। ये बात दृढ़ हो जानी चाहिए। और यदि हमने उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई तब तो उसमें क्या है, वो मूर्ति ही है, वो पाषाण है, वो काष्ठ है, वो जो है कागज है या जो है धातु है, मृत्तिका है, तो उसमें इस रूप से पूजन नहीं करना चाहिए, शास्त्र निषेध करते हैं। यहां तक प्रतिष्ठा मौतिकम के शास्त्रार्थ में लिखा हुआ है, हिंदी के शास्त्रार्थ और जो है संस्कृत शास्त्रार्थ में भी, कि जो मूर्तियां अप्रतिष्ठित होती हैं अथवा जिनमें किसी कारणवश शास्त्रीय विधि का पालन नहीं होता है, मूर्ति भंग हो जाती है, टूट जाती है या कोई अन्य कारण बन जाता है, तो उन मूर्तियों में प्रेत निवास करते हैं, भूत प्रेत आकर के घुस जाते हैं और वे उस मूर्ति का पूजन ग्रहण करते हैं। यहां तक आपको बात बतलाएं कि यहां वृंदावन में ये श्री कात्यायनी पीठ में गणपति का हस्त भंग हो गया था, एक वहां जगत धात्री देवी हैं, उनका हाथ भंग हो गया था, तो उनकी नवीन प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति ला करके उनका जीर्णोद्धार किया और उनको जलाशय में विसर्जन करने के लिए कहा। तो वहां के जो लोग हैं, जो ट्रस्टी हैं, जानते तो कुछ है नहीं, शास्त्रों में आस्था नहीं है, अपनी मनमानी करना है उन लोगों को, तो उन मूर्तियों को रख रखा है, इन मूर्तियों को उठा करके बक्से में बंद करा के रख रखा है। साल भर तक तो बक्से में रखे और उसके बाद निकाल करके, मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित हो गई नहीं, पर उन मूर्तियों को जिनका विसर्जन करना था, जिनके हाथ पैर जो है भंग हो गए थे, उन मूर्तियों को बक्से में रखा रहा। अब निकाल करके बॉक्स में से उन्होंने अब एक अलग मंदिर में रख रखा और वहां वो जो है पूजन करवा रहे हैं। तो ऐसे कार्य, अशास्त्रीय कार्य लोग करते हैं, लिखा हुआ उसमें भूत प्रेत आ जाते हैं और वो नाश कर देते हैं। लिखा हुआ अन्नहीनम दयेत राष्ट्रम, प्रतिष्ठा में कोई भी गड़बड़ी हो जाए, अन्न की, मंत्र की, विधि की, पूजन की, जो है समय की, श्रद्धा की यदि कमी हो जाए, तो वो लिखा हुआ नास्त प्रतिष्ठा समो रिपु, प्रतिष्ठा जैसा कोई शत्रु भी नहीं है। अन्नहीना दहित राष्ट्रम, अन्न से हीन जो होती है उसका लिखा हुआ इस मूर्ति का इतना भोग लगना चाहिए, ऐसे हवन होना चाहिए, ऐसे विधान होना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, तो राष्ट्रम दहे, एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, उस गांव को, नगर को, राष्ट्र को, वहां से जुड़े लोगों को जो हानि पहुंचाती है। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि जो भैया ऐसे प्रतिष्ठा मत कराना, कहने का तात्पर्य है आप मूर्ति को रखें, अवश्य उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा करके ही पूजन आदि करें और तत्संबंधी नियमों का पालन करें। देखिए आपको ये किसने बताया कि मूर्ति में जो है देवत्व होता है, मूर्ति में देवता आकर के विराजमान होते हैं, ये किसने कहा? शास्त्र ने ही तो कहा है।
और वे ही शास्त्र कह रहे हैं कि इस प्रकार से यदि मूर्ति का जो है विधान बिगड़ जाता है, मूर्ति भंग हो जाती है, या प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं, या कोई अस्पृश्य व्यक्ति स्पर्श कर लेता है, इतने दिन तक पूजा बंद रहे हो जाती है, या और भी कई कारण बताए हैं, तो फिर वो देवत्व नहीं रहता, उसमें भूत प्रेत आ जाते हैं। तो आदि बात तो शास्त्र की मान ली कि भाई देवत्व मूर्ति में होता है, परंतु चला भी जाता है, ये बात भी कमानी है। इसको धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज कहते थे अर्ध कुकुटीय न्याय, अर्ध क्षत्रिय न्याय। ये कभी भी व्यक्ति को सफल नहीं करेगा। कोई चाहे देखो लौकिक उदाहरण है ये संस्कृत में जो अभी न्याय का, इसका हिंदी में सरल भाषा में सुनिएगा। जैसे कोई चाहे कि आधी मुर्गी को काट करके हम खा ले और आधी मुर्गी अंडे दे देगी, क्या ये कभी संभव है? नहीं हो सकता ऐसा। या तो उसको खाई जाएगी या फिर उसको छोड़ दीजिएगा। तो इसी तरीके से ये अर्ध कुकुटीय न्याय है कि आदि शास्त्र की मान ली, आदि मनमानी कर ली, तो वो तो जो है सत्यानाश का ही हेतु है। शास्त्र में विश्वास रखना और शास्त्र की बात का ही परिपालन करना। तो अपने यहाँ की जो भी मूर्ति इत्यादि हैं, अपनी शक्ति वैभव और सामर्थ्य के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा करा करके ही पूजन करना चाहिए। और मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, धर्म सम्राट ने ये नारा दिया था और उनका लक्ष्य है कि मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, मंदिरों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात आपको बतलाएं, लिखा हुआ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, कृते त्रेता युगे राजन द्वापरे च नरोत्तमाः आगच्छन्ति नृलोकेऽस्मिन् स शरीराः दिवौकशः। कहते हैं कृते माने कृत युग में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापरे च नरोत्तमाः, हे नरोत्तम द्वापरों में भी, अस्मिन् नृलोके स शरीराः दिवौकशः आगच्छन्ति, इसी मर्त्यलोक में सशरीर देवता लोग आते थे। सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युग में भी देवताओं का आह्वान करते ही देवता लोग आ जाते थे। सशरीरा आगच्छन्ति, अपने शरीर के साथ यहां विद्यमान हो जाते थे। परंतु कलयुग में तो आते नहीं, अभी हम देखते अभी नहीं आते हैं। तो कलयुग की व्यवस्था बतला रहे हैं कि नागच्छन्ति कलौ यस्मात् सशरीराः कथञ्चन, अपने दिव्य शरीर से देवता लोग कलयुग में किसी भी प्रकार से नहीं आते हैं, कथञ्चन कभी भी नहीं आते हैं, आते नहीं है मतलब, ये समझिए। तो फिर अब देवताओं को तो बुलाना पड़ेगा, तो देवता कैसे आए, उनका कार्य कैसे हो, तो बतला रहे हैं आगच्छन्ति प्रतिष्ठासु द्विजै रावाहितास्ततः तस्मात् कलौ प्रयत्नेन प्रतिष्ठां कारयेत् बुधा। देवता आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर से, अप्रकट शरीर से, दिव्य शरीर से देवता लोग द्विजै रावाहिताः, ब्राह्मणों के द्वारा आवाहित करने पर, मंत्रों के द्वारा उनको बुलाने पर बेते आगच्छन्ति, वे लोग आते हैं। तो आकर के प्रतिष्ठासु आगच्छन्ति, प्रतिष्ठा करने पर आते हैं, प्रतिष्ठा करने पर आते हैं। तस्मा इसलिए कलौ प्रयत्नेन प्रतिष्ठां बुधा कारये, इसलिए विद्वानों को चाहिए कि कलयुग में प्रतिष्ठा करके ही उनका पूजन अर्चन वंदन करे। वहां तो अन्यथा भावना से पुकारते थे, मंत्रों से पुकारते थे, आवाहन करते थे, अन्य युगों में देवताओं का सानिध्य प्राप्त हो जाता था, वे सशरीर आ जाते थे, लेकिन कलयुग में तो बिना प्रतिष्ठा के देवता का सानिध्य होना बड़ा मुश्किल है। इस दृष्टि से यहाँ यज्ञ आदि में भी जो ब्राह्मण लोग जो है वो बनाते हैं मंडल, सर्वतोभद्र मंडल है ना, गृह मंडल, वास्तु मंडल, क्षेत्रपाल मंडल, और भी विभिन्न प्रकार के गणपति मंडल और जो है
लिंगतो भद्रमंडल, द्वादश लिंगतो भद्रमंडल इत्यादि कई भद्रमंडल बनाने का शास्त्रों में विधान है। तो वो चावलों से रंग करके जो देवताओं को बनाते हैं, फिर सुपारी आदि रख करके देवताओं को बुलाते हैं, आह्वान करके उन पर प्रतिष्ठा करते हैं। तो प्रतिष्ठा करके फिर उनका पूजन यज्ञ इत्यादि में होता है, बाद में विसर्जन कर दिया जाता है। इसी प्रकार कुंड में भी अग्नि का, प्रधान देवताओं का आह्वान किया जाता है और फिर उसमें जो है आहुति दी जाती है। इसी प्रकार मूर्तियों में भी देवता का आह्वान विधि पूर्वक करके और फिर उसमें पूजा अर्चन बंधन ये सब किया जाता है, और इसी प्रकार करना चाहिए। तो प्रतिष्ठा संबंधित किसी भी कार्य में मनमानी न करें, शास्त्र की ही आज्ञा का परिपालन करें, इसी में सबकी भलाई है। चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे जो है जनतंत्र हो, या पंडित समूह हो, कोई भी हो, वो सब मनमानी नहीं है कि भाई वहां जो है दलित पुजारियों को रख दिया गया, वहां इनको रख दिया गया, वहां जो है अवैध मंदिर बनवा दिए गए, जो वैध मंदिर है उनको तोड़वा दिया गया। ये सरकार जो प्रकल्प चला रही है इससे राष्ट्रम दहे, पूरे राष्ट्र का, ऐसा नहीं कि किसी गांव का, किसी क्षेत्र का, किसी व्यक्ति का, किसी देश का बंटाधार होने वाला नहीं है, राष्ट्रम दहे, पूरे राष्ट्र, पूरी पृथ्वी मंडल पर खतरा है। और जब पृथ्वी पर खतरा होता है तो 14 भुवनों को खतरा हो जाता है। इसलिए प्रतिष्ठा कोई छोटी चीज नहीं है, इसके साथ खिलवाड़ किसी भी प्रकार से नहीं करना चाहिए। ऐसा सभी के साथ हमारा जो करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग प्रतिष्ठा से संबंधित नियमों का पालन करें और विधि पूर्वक पूजन करें, इसी में सभी का हित है, सभी का, सभी का। हर हर महादेव।